हीरानगर थाना क्षेत्र के गोरीनगर में पिछले दिनों हुए मुखबधिर युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा दिलाने के लिए क्षेत्र के रहवासी मैदान में हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया और राजवाड़ा से कलेक्टर तक रैली निकाली। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अगर ये पहले आवाज उठाई होती और सरकार हमारे साथ में होती तो आज ये कांड नहीं होता हमारे मोहल्ले में किसी लड़की के साथ। किस क्षेत्र की आप बात करें जहाँ पे इस तरह की? गोरी नगर केशव नगर। तो आप तो वो किस तरह धमका जा रहा है अभियान में इनके साथ? सर बोलते हैं बोले बोला है, तुम लेडीज है जो बोलेंगी बीच में हम उन लोगों के संग बाद में ये करेंगे वो करेंगे और जो उनके सपोर्ट करेंगे उनको ये बोलेंगे। पहले भी मैंने आवाज उठाई, पुलिस वाले ने भी हमारा सपोर्ट नहीं किया, बोले सबूत लेके आओ कि ये व्यक्ति ऐसे करते। सैयदना साहब 6 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं, इसको लेकर बोहरा समाज जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है। मुहर्रम पर सैयदना साहब की आवाज़ सुनने के लिए 2.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सैयदना साहब 10 सितंबर को मसाकी ने सोफिया मस्जिद सहित 3 मस्जिदों का उद्घाटन करेंगे। समाज द्वारा लोगों को लाने ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की जा रही है। जिले में धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। शहर के राधा कृष्ण मंदिर को आकर्षक सजाया गया। इसी को लेकर जिले की सरस्वती शिशु मंदिर बालागांव एवं रन्हाई कला में सोमवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बच्चे राधा कृष्ण की वेशभूषा में आए और श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। अंत में माखन मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया, साथ ही ग्राम आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर साल की तरह इस साल भी कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उत्साह के साथ सबने अपनी अपनी टोली तैयार कर तथा मटकी फोड़ कार्यक्रम में भाग लेकर नगर के गांधी चौक में मनाया। समिट के प्रमुख राम सिंह बघेल ने बताया कि हम लोग 30 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है। और मेरा ऐसा मानना कि हमारे यहाँ का कार्यक्रम पूरे बढ़ के होता है। हमारे द्वारा आज 28 मटकियां बांधी गई हैं जगह जगह पर, ऑफिसर कॉलोनी से लेकर पुलिस चौकी के पास, एंट्री एंड फोर कॉलोनी, और लगभग 20 वर्षों से हम ये कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा उत्साह होता है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा है। अभी लगभग हमारी 18 मटकियां फूट चुकी है, बाकी मटकियां बची हैं। खाते गांव में शिक्षक दिवस पर अनेक शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। इंद्रप्रस्थ गार्डन में नगर परिषद के द्वारा होगा भव्य आयोजन। खाते गांव नगर परिषद अध्यक्ष नीलेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाते गांव संकुल एवं क्षेत्र के श्रेष्ठ 25 शिक्षकों का शिक्षक दिवस पर विधायक पंडित आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र से शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। गुरु शिष्य की परंपरा के तहत गुरु पूजन के साथ शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। 5 सितम्बर दोपहर 12 बजे से इंद्रप्रस्थ गार्डन खातेगांव में नगर परिषद खातेगांव के उपाध्यक्ष दीनदयाल बावरिया एवं समस्त पार्षदों ने समस्त शिक्षकों से उक्त कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की। यहां पे गुरुओं का विशेष सम्मान रहा है। गुरु शिष्य की परंपरा आदि अनादिकाल से चली आ रही है यहां पर, और इसी तारतम्य हमारे जो पास का जिला है उज्जैन, वहाँ पे सांदीपनी आश्रम है जहाँ भगवान कृष्ण सुदामा अध्ययन कर गए हैं और उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत जो है गुरु के मार्गदर्शन में ही अपना कार्य किया है। आगामी 6 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि उपज मंडी आकर एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत ग्रामीणों से रूबरू होंगे, जिसके लिए विधायक संजय शाह के द्वारा मुख्यमंत्री के आगमन की पूरी तैयारियां की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है इस कार्यक्रम को लेकर, 20 से 25 हज़ार की पब्लिक यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। और त्रिवनी विधानसभा के 2 मंडल के लोग यहाँ पर आएंगे, रेहड़गांव और सिराली के। त्रिवनी मंडल की शाम को वहाँ पर सभा है, इसलिए वो वहीं पर रहे। बुरहानपुर के प्राचीन उदासीन आश्रम के महंत स्वामी पुष्करानंद ने हाल ही में मीडिया के सामने की गई अपनी घोषणा से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने हिंदू महासभा के बैनर तले बुरहानपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब उनका मन पलट गया है। महंत का कहना है कि संतों ने उन्हें बीजेपी से चुनाव लड़ने की सलाह दी है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी से विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए प्रयास करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महंत अनिर्णय की स्थिति में फंसते नजर आ रहे हैं। इसमें क्या है, हमारे जो संत लोग हैं सभी का ये कहना है, चुनाव लड़ना तो बीजेपी से लड़िए, निर्दलीय लड़ना ठीक नहीं है। तो कल सीएम साहब परसों आ रहे हैं बुरहानपुर में, मुलाकात करेंगे सीएम साहब से? हाँ, सीएम से मुलाकात करेंगे।
उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में भी शामिल होंगे। मतलब अब आप अखिल भारत हिंदू महासभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? इच्छा नहीं थी, तो उन लोगों ने बोला था बाकी मेरे पहले बीजेपी से बोला था बीजेपी अच्छा काम कर रही है, पार्टी पार्टी होती है, दल 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 ही होता है, दल दल में कोई वो नहीं, अगर ये होम लगाना कोई मतलब नहीं। मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक एक पर ग्राम की सभी आंगनवाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परियोजना अधिकारी सीमा जैन द्वारा गर्भवती माताओं को खान पान से बच्चों को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस संबंध में जानकारी देने के साथ ही हरी सब्जी खाने से होने वाले लाभों से अवगत कराया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र पर एक गर्भवती माता की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई, जिसमें महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। ये जो हमारा 1 सितंबर से 31 सितंबर तक जो कार्यक्रम चल रहा है पोषण माह दिवस, राष्ट्रीय पोषण माह, इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिस उन्हें आंगनवाड़ी में बुलाकर तिरंगा भोजन के बारे में समझाई दी जा रही है एवं वो अपने शिशु की देखभाल करें, इसके लिए उन्हें पोषण आहार की सलाह दी जा रही है। और ये पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है, क्योंकि समाज में जो हमारी खान पान की आदतें हैं उसके चलते हमारा जो पोषण स्तर है महिलाओं का, बच्चों का खास तौर से, उतना अच्छा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो पोषण के संबंध में हम लोग इसमें जागरूकता के लिए गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। मेरे पास 102 आंगनवाड़ी केंद्र है और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार की गतिविधियां आयोजित हो रही है, प्रतिदिन हम कुछ न कुछ करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पावर प्लांट में बीरसिंहपुर पाली के एमपीबी कॉलोनी में मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। इस त्यौहार को मनाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी बच्चे सहित लगभग 5000 की संख्या में जनता उपस्थित रही। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के बाद रैली डीजे के साथ निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। 15 वर्ष हो गए, आज 16वां वर्ष है कॉलोनी में मटकी बनते, और लगभग 50 जगह यह कॉलोनी में मटकी बनती है, जिससे युवा पूरी टीम इसको पूरे अधिकारी कर्मचारी सब साथ में रहते हैं, सभी कर्मचारी साथ में रहते हैं, कॉलोनी के सभी लोग माताएं बहने साथ देते हैं। और इस पुलिस की व्यवस्था आपको कैसी दिखी यहाँ पर? पुलिस की व्यवस्था, पुलिस वाले आए थे क्योंकि जानकारी उनको दे दी गई है और यहीं पर है, वो लोग भी अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल की श्रावण भादव की आखिरी और साईं सवारी सोमवार को निकली। सवारी में भगवान के 6 स्वरूप में दर्शन हुए। इसके पहले मंदिर के सभा मंडल में भगवान का पूजन व आरती कर पालकी में विराजमान किया गया। पूजन आरती के बाद जयकारों के साथ पालकी रवाना हुई। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल ने सलामी दी। प्रारंभिक मार्ग से होकर शाम 6 बजे रामघाट पहुंची। शिप्रा के दोनों किनारों पर खचाखच भीड़ थी। शिप्रा तट पर पूजन के बाद सवारी पुनः रवाना होकर मंदिर पहुंची। यहाँ की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी, हमने दर्शन किए, अभी दर्शन करके आ रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लगा हमें। महाकालेश्वर की कृपा है हमारे परिवार के ऊपर और हम हर साल यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारी बिटिया, हम हर साल आते हैं यहाँ पर, और यहाँ का जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा बनाया है। और बहुत, अभी मैं उनकी तारीफ करूँगा सीएम साहब की, शिवराज चौहान साहब की, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है। और शहर में भी हमने अपने रिश्तेदारों से सुना तो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर साधन कर रखे हैं। श्रावण मास के अंतिम रविवार को उषा नगर स्थित मल्हार मारतन मंदिर से भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्रीयन समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा मल्हार मारतन मंदिर से शुरू होते हुए मुख्य मार्गों से निकली, जहां पूरे रास्ते पर यात्रा का स्वागत किया गया। समाज के यशवंत धामोरे ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य सभी समाज के लोगों को एकजुट करना तथा वैचारिक समानता लाना था और समाज के युवाओं में कुल देवता के प्रति आस्था को बढ़ाना था। जो हमारे जो कुल देवता है उनका जो वार रहता है वो रविवार रहता है, इनको कि हम मल्हारवार भी बोलते हैं, और इस कारण ये यात्रा हम लोग रविवार को निकाल रहे हैं और श्रावण मास के अंतिम रविवार को यात्रा निकालने का मूल उद्देश्य मराठी भाषियों, ये जो कुल देवता मराठी भाषियों के हैं, और यात्रा निकालने का मूल उद्देश्य जो है कि सभी समाजजनों को एक छत के नीचे लाने का प्रयास है, उनमें वैचारिक समानता लाने का प्रयास है, समाज जो आज असंगठित है उसको संगठित करने का एक प्रयास है। रोटरी क्लब ऑफ नॉर्थ के गोपाल मंगल ने बताया कि होटल 25 अगस्त में श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। क्लब के सदस्यों ने मुनहारी प्रस्तुति दी, जिसे सभी श्रोता व अतिथिगण भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से इस प्रेम के आंसू छलक गए। प्रियंका गुप्ता व स्मृति सिघाई ने मुनहारी कृष्णा को रंगोली में उकेरा। उक्त जन्माष्टमी कार्यक्रम के मुख्य
अतिथि मंडल अध्यक्ष रो गुस्ताद अंकलेश्वरिया रमेश चोपड़ा चंद मोहन व्यास थे। अतिथि स्वागत अध्यक्ष रेखा मंगल सीमी मलिक किरण मोदी ने किया। कार्यक्रम का संचालन चेतना जोसेफ ने किया। आभार सचिव सीमा गोयल ने व्यक्त किया। कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो हमेशा सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। वैसे रोटरी भी हमेशा सिखाती है कि जब भी मौका मिले खुद से ऊपर उठकर मानव सेवा पर, समाज सेवा पर ध्यान दें। इसी दरमियान क्लब के कई सदस्यों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, बॉलीवुड ट्रैक पे भी डांस किए गए, साथ ही कृष्ण कथा को भी एक सूत्र में पिरोने के लिए एक एक्ट हुआ। उसके अलावा नृत्य नाटिका आयोजित की गई जिसमें रुक्मणी और सत्यभामा के बीच जो होड़ लगी थी कृष्ण को पाने की, उसको तुलसी के माध्यम से पाना बताया और कृष्ण हमेशा सेवा से मिलते हैं, धन से नहीं मिलते, ये संदेश दिया गया। भगवान हमेशा सेवा से मिलते हैं। इसके अलावा सभी सदस्यों ने जमकर सारे गानों के ऊपर डांस किया आखिरी में और बहुत आनंद उठाया। पूरा माहौल, पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया था।